है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे तमिल मूवी हीरो को पांचवें दिन तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। तो दोस्तों आपको बताते चलें, तमिल मूवी हीरो रिलीज हुई थी 20 दिसंबर को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एसपी मित्रन। फिल्म के प्रोड्यूसर थे कोटापड़ी राजेश। मेन स्टार कास्ट में दिखेंगे तमिल के सुपर स्टार शिव कार्तिक, अभय देओल, अर्जुन कल्याणी, प्रियदर्शन। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की जनरल की, तो यह फिल्म सुपर हीरो सस्पेंस थ्रिलर पर बेस्ड है। इस फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त सस्पेंस सीन फिल्माए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म की रनिंग टाइम की, तो यह फिल्म बनकर तैयार हुई है 2 घंटे 30 मिनट की। अगर बात की जाए इस फिल्म के बजट में, तो इस फिल्म की प्रमोशन सहित टोटल बजट होते हैं लगभग 35 करोड़। दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ की कलेक्शन करनी होगी। अगर बात की जाए सुपर हिट होने के लिए, तो इस फिल्म को सुपर हिट होने के लिए कम से कम बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ का बिजनेस करना है। दोस्तों इस फिल्म की अगर बात की जाए स्क्रीनिंग के बारे में, तो आपको बताते चलें क्रिसमस के हॉलीडे होने के कारण एक साथ तमिल में कई फिल्में रिलीज हुई थी। इस कारण से सबकी स्क्रीन आपस में बढ़ गई। फिलहाल हीरो को मिली थी लगभग इंडिया में स्क्रीन 1200। अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइज की, यानी ग्रॉस मिले थे इस फिल्म को टोटल 200 स्क्रीन। टोटल इस फिल्म के स्क्रीन होते हैं 1400। अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले जान लेते हैं ये फिल्म अपने राइट्स बेचकर ऑलरेडी पहले कितना इकट्ठे किए। तो आपको बताते चले इस फिल्म की सेट राइट्स भी कितना लगभग 1200। बात की जाए डिजिटल राइट्स की, यानी कि टीवी पे दिखाने वाले राइट्स भी कहते थे 7 करोड़ में। वहीं बात की जाए म्यूजिक राइट्स की, तो म्यूजिक राइट्स भी कहते हैं 4 करोड़ में। टोटल ऑलरेडी पहले ही इस फिल्म ने इकट्ठे कर लिए थे लगभग 23 करोड़। दोस्तों इस फिल्म को ज़्यादा कुछ बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं करने थे अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि इस फिल्म ने ऑलरेडी पहले रिकवरी कर ली थी लगभग 23 करोड़। और इस फिल्म की टोटल बजट होती है 35 करोड़। अगर बात की जाए इस फिल्म फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म को पब्लिक द्वारा कैसी रिस्पॉन्स मिली थी। तो आपको बताते चलें इस फिल्म को फिल्म समीक्षकों ने काफ़ी बढ़िया रेटिंग दी थी, वहीं साथ ही साथ पब्लिकों ने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू दिए थे। बात की जाए फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने फर्स्ट डे इंडिया में कलेक्शन किया था 5 करोड़ 10 लाख का। वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 1 करोड़ 30 लाख का। दोस्तों अगर बात की जाए दूसरे दिन हल्का सा ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि इस फिल्म को माउथ पब्लिसिटी अच्छी ना होने के कारण उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था 5 करोड़ 25 लाख का। वहीं ग्रॉस कमाए थे 1 करोड़ 70 लाख। बात किया तीसरे दिन संडे होने के कारण इस फिल्म में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था 6 करोड़ 50 लाख का। वहीं ग्रॉस कमाए थे लगभग 2 करोड़। बात की जाए चौथे दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किए थे 3 करोड़ 96 लाख का। वहीं ग्रॉस कमाए थे लगभग 1 करोड़ 20 लाख। पांचवें दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया है 3 करोड़ 20 लाख का। वहीं ग्रॉस कमाया लगभग 1 करोड़। टोटल इस फिल्म के कलेक्शन होते हैं 30 करोड़ 40 लाख। दोस्तों इस फिल्म को अब ज़्यादा कुछ अपने आप को साबित करने के लिए बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन नहीं करने, क्योंकि अभी इस बीच में क्रिसमस का छुट्टी होने के कारण इस फिल्म को लंबा वक्त मिलेगा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने का। दोस्तों क्या लगता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है, जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद।